काहिरा में एक आम सा दिन, हेबा अतिया मूसा साइकिल से ऑफिस जा रही हैं। काहिरा में साइकिल से चलने वाले लोगों को ढूंढना दुर्लभ है और किसी महिला को साइकिल चलाते हुए देखना तो और भी बिरले होता है। लेकिन मूसा अर्बन प्लानर हैं और काहिरा को साइकिल फ्रेंडली शहर बनाना चाहती हैं। उनके लिए हर दिन साइकिल चलाना सामान्य बात है, हालांकि कभी कभी इसके लिए हिम्मत भी चाहिए। वो खुद देख रही हैं कि कहां कहां सुधार की जरूरत है। मैं हमेशा सड़क के दाईं तरफ चलती हूं। वहां आपको धूल और नालियों में कूड़ा मिलता है, सड़क भी टूटी होती है। कारों में चलने वाले लोगों को साइकिल सवार देखने की आदत नहीं है। जब कई बार ड्राइवर मेरे बहुत करीब से निकल जाते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। यहाँ सड़कों पर हर तरह की बाधाएं हैं। काहिरा अफ्रीका में सबसे बड़ा महानगर है, जिसकी आबादी 2,10,00,000 से ज्यादा है। गाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग एक दूसरे पर चढ़े जाते हैं। मिस्र के अधिकारियों ने पुल और राजमार्गों को चौड़ा करने के बहुत प्रयास किए हैं। हाल के सालों में देश भर में 7,000 किलोमीटर लंबा सड़कों का नेटवर्क बनाया है। महामारी शुरू होने के बाद से मिस्र की राजधानी में साइकिल सवारों की संख्या कुछ बढ़ी है। काहिरा के मध्य में साइकिल की इस दुकान के मालिक मोहम्मद यूसरी कहते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल खरीद रहे हैं। सार्वजनिक यातायात में बहुत भीड़ है और लोग महामारी के दौर में सार्वजनिक यातायात में चढ़ने से डरते हैं कि कहीं वायरस न लग जाए, तो वो उसकी जगह साइकिल लेने की सोचते हैं। शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक और भीड़ भाड़ के कारण भी लोग महसूस करते हैं कि साइकिल ही कहीं जाने का बढ़िया तरीका है। लेकिन साइकिल का चलन बढ़ता है तो यहाँ की सड़कों को ठीक करना होगा। तब्दील का यही मकसद है जहाँ मूसा काम करती हैं। चार अर्बन प्लानरों ने मिलकर 2018 में इस पहल की शुरुआत की। इसकी स्थापना निजी दान राशि से हुई। अब उन्हें अरब काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज से भी मदद मिल रही है। तब्दील साइकिलिंग को लोकप्रिय करना चाहता है। ये शहर में मौजूदा और भावी साइकिलिस्टों, उनके रास्ते और साइकिल से जाने के उनके फैसले को प्रभावित करने वाले कारकों पर डाटा भी जमा करता है। काहिरा में संयुक्त राष्ट्र के हैबिटेट ऑफिस में साइकिलिस्टों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर रिसर्च हो रही है। हम सिटी सेंटर को साइकिल लेन में बदलना चाहते हैं और बाइक शेयरिंग भी। इसके लिए शहर की सड़कों की रूपरेखा बदलनी होगी। अगर 70% यात्रा पैदल, साइकिल और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से होती है तो फिर शहर की 70% सड़कों को यातायात के इन साधनों को समर्पित करना होगा। यूएन हैबिटेट का कहना है कि काहिरा में होने वाली सभी यात्राओं में 55% के लिए सार्वजनिक यातायात इस्तेमाल होता है। साइकिलिंग और पैदल चलने की हिस्सेदारी 13% है। शहर में कई जगह साइकिलिंग ग्रुप बन रहे हैं, जैसे कि गो बाइक, जिसे साइकिलिस्ट मोहम्मद सामे ने बनाया है। उन्हें यूरोप में रहते हुए इसका आइडिया आया, जहाँ कुछ लोग ज़्यादातर साइकिल से ही चलते हैं। हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो साइकिल खरीदें, क्योंकि हम सड़कों पर कारों, टैक्सियों और बसों की संख्या घटाना चाहते हैं। 5 से 6 किलोमीटर की दूरी के लिए, मतलब सुपरमार्केट या फिर दोस्त से मिलने के लिए, वे साइकिल से जा सकते हैं, जो कि बेहतर विकल्प है। इससे शहर में भीड़ भाड़ घटेगी, जिससे हम सब लोग परेशान हैं। हर शुक्रवार को गो बाइक के सदस्य काहिरा के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं। जिनके पास साइकिल नहीं है, यहाँ उनके लिए भी साइकिलें हैं। बस आइए और साइकिल चलाइए। आज लगभग 30 साइकिल सवार काहिरा की सड़कों पर 12 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, जो शहर के ज्यादातर लोगों की आंखें खोल रही हैं कि कैसे हर कोई साइकिल चला सकता है। अगर हमारे यहाँ उचित बुनियादी ढांचा होता और साइकिल की लेनें होती जो मुझे कारों और सब बाधाओं से दूर रख पाएं, तो बेहतर होता। इससे हर दिन ऑफिस जाना मेरे लिए आसान होता। मैं चाहती हूँ कि लोग साइकिल सवारों को देखने की आदत डालें, महिला साइकिल सवारों को भी। साइकिल सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। शुरुआत हो चुकी है।
लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है।